नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो सर्दियां जा रही हैं और चलिए आज मटर को फ्रोजन करके रख लेते हैं साल भर तक के खाने के लिए, जो बहुत इजी प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मटर को फ्रोजन करने का तरीका। तो यहाँ पर मटर को मैंने छिल करके तैयार कर लिया है और ये वजन में 12 किलो मटर थे और इन्हें छिलका उतारने के बाद हमारे पास दाने इस तरह से बच गए हैं और इन्हें हम फ्रोजन करके रखेंगे। तो ये मटर जब हम फ्रोजन करके साल भर तक के लिए रखते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी रखते हैं खाने में, स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं होता है और साल भर तक बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं। और आप किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इससे निमोना भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रोजन करने के लिए मटर को एक भगोने में पानी रखेंगे गैस पर और इसे उबलने के लिए रखेंगे पानी को। तो यहाँ देखिए मैंने गैस पे पानी रख दिया है और इसमें उबाल आने लगा है पानी में। पानी में उबाल आने लगे तब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच चीनी। चीनी डालने से ये होता है कि इसमें कलर जो है मटर का वो बिल्कुल ग्रीन बना रहता है और मटर की ताजगी भी बनी रहती है और इसका मीठापन भी बना रहता है। तो इस तरह से मटर को हमने डाल दिया है, पानी में डालना शुरू कर दिया है। तो जितना भी मटर पानी में आ जाए उतना ही मटर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मटर को इस तरह से डाल दिया है क्योंकि भगोना बड़ा है और इसे मैंने एक साथ ही डाल दिया है। तो इस तरह से मटर देखिए पानी में जा चुका है और ये सारे काम फुल फ्लेम पर हो रहा है और इसके बाद ऐसे हम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से रखेंगे तो मटर जो है वो नीचे जो बैठ गया है वो अपने आप से ऊपर आ जाएगा और ये पकेगा एक तिहाई हिस्सा ही जब पक जाए मटर, तब इसे हमें छान लेना है और ये सतह पर तैरने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मटर को मैंने इस तरह से चला दिया है नीचे से ऊपर तक, इस तरह से उलट पलट दिया है और ये सारी चीज़ें फुल फ्लेम पे हो रही हैं और एक तिहाई इस तरह से पकेगा जब मटर, तब हमारा मटर फ्रोजन करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उबलते पानी में मैंने डाल दिया है और ये कुल समय जो है 5 से 7 मिनट का लगा है इसमें, क्योंकि मटर की जो साइज़ होती है कोई छोटी होती है कोई बड़ी, तो इस नाते इसको फ्रोजन करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। और इसे उलट पलट दिया है मैंने और इस तरह से आप फ्रोजन करके मटर रखेंगे तो आपके मटर जो है साल भर तक खाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। आप अगर कच्चे मटर रख देंगे फ्रीजर में तो उसमें क्रिस्टल जम जाता है और वो फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इस नाते मटर को एक तिहाई हिस्सा इस तरह से पका करके और इसे ठंडा करके ही फ्रीजर में रखें तो ये साल भर तक के खाने के लिए हमारे मटर फ्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ठंडा पानी रखेंगे और यहाँ पर मैंने फ्रिज का पानी रखा है ठंडा, आप चाहे तो बर्फ भी डाल सकते हैं और इसे निकाल करके हम फटाफट से ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और यहीं जितना हमने इसे पकाना है उतना ही ये पक करके तैयार हो जाए। तो यहाँ पर ठंडे पानी में हमने मटर को निकाल करके डाल दिया है और इसी तरह से ठंडे पानी में हम इसे थोड़ी देर पड़े रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मटर ठंडा हो जाए। और ये देखिए मटर हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो रहे हैं और इसके बाद हम इसे पानी को छान लेंगे और छान करके पानी को हम इस पर एक कपड़ा बिछाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लैब पर ही एक कपड़ा बिछा दिया है कॉटन का और उस पर ही हम इसको मटर को रख करके थोड़ी देर सुखाएंगे ताकि इसका पानी भी सूख जाए और मटर भी अच्छी तरह से सूख जाए, फिर इसे हम पैक करेंगे। यहाँ देखिए मटर को मैंने इस तरह से फैला दिया है और इसमें बचा कुचा मॉइस्चर जो है वो सूख जाएगा तो ये कभी भी आपके मटर क्रिस्टलाइज नहीं होंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप इस तरीके से मटर को फ्रोजन करिएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके मटर किस तरह से फ्रोजन हुए। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आपको साल भर तक पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके फ्रोजन किए हुए मटर है। तो यहाँ पर मैंने ये कंटेनर लिया है तो इसको एयरटाइट कंटेनर में हम इस तरह से भर देंगे। आप चाहे तो पॉलीथीन बैग में भी भर सकते हैं जो जिप लॉक बैग आते हैं, या फिर आपको घर में जो पड़े हुए पॉलीथीन होते हैं उसमें भी आप छोटे छोटे पॉलीथीन में रख सकते हैं ताकि इसकी जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इसको बर्फ निकाल करके आराम से इस्तेमाल करें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से डब्बे में भी कर दिया है पैक इसको और इस तरह से एयरटाइट डब्बे ही हम लेंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से पॉलीथीन बैग में भी कर लिए हैं मटर को और इस तरह से करके रखने में जगह भी कम लगता है फ्रिज में और इस तरह से रख करके हम साल भर तक मटर को स्टोर करते हैं। तो तरीका पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।